पता कर लीजिए, पता चल जाएगा आप लोगों को। पूरा का पूरा पब्लिक भीतर से मन बना चुकी थी, और ये मैं शुरू से कह रहा था कि अंडर करंट है, तो खुद ही पता चल जाएगा। एक एक चीज़ों की खबर रहती है, लोग के गाली गलौज, ये सिर्फ पुरानी परंपरा, पुरानी चीज़ें, लोग नई बात और नए तरीके से समझना सुनना चाहते हैं। लोग एक उम्मीद दिखता है, एक ट्रस्ट करना चाहते हैं, और आप पहली वाली बात ही जात पात की राजनीति करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, मुद्दों से भटकाएंगे। तो जब आप मुद्दों से भटकाइएगा, हर आदमी को दिग्भ्रमित करिएगा, और फिर 1990 से लेकर बिहार की राजनीति आज तक होती रही है, वही टारगेट करना। तो ये कहाँ थे ये लोग, जब इतने बड़े बड़े तूफान कोरोना वायरस, ये तो तब तो कोई मंत्री संतरी घर से नहीं निकल रहा था, सबको कोरोना धर रहा था। आज सबका कोरोना ठीक हो गया, अभी तो भारत से कोरोना गया नहीं है। तो आज जो जिस तरीके से गिरिराज सिंह जी या अन्य लोग जो जिस तरीके से बोल रहे हैं, बात करते हैं, तो बहुत गलत है, बहुत अनमैनर्ड बिहेव है। मुंगेर की घटना पे क्या कहेंगे? अब जालियांवाला बाग से नीतीश बाबू का जो शासन प्रशासन का नंगा नाच है, जो हिटलर की तरह हुआ, लिपि सिंह को सस्पेंड करके इंक्वायरी बैठानी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से रात भी मांग किया हूँ, और यही चेहरा सुशासन का 15 साल रहा है। पुलिसिया जुल्म, मैं तो कई बार कहा कि 5 पदाधिकारी, अब 5 चैनल वाले, अब 5 नेता, ये 15 आदमी नीतीश बाबू को चलाए, 5 ठो पत्रकार, अब 5 ठो नेता, अब 5 पदाधिकारी, ये 15 आदमी 15 साल चलाए। और जो मुंगेर की घटना है, यही 15 साल का सच है। चूँकि चुनाव था तो ये दिख गया, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें बर्खास्त करना चाहिए, और लिपि सिंह को कंप्लीट रूप से सस्पेंड करके उस पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, ताकि ये जो जालियांवाला बाग से भी विभत्स घटना घटी है, वह आगे लोग कांप जाएं। और मैं आपको बता दूं, यदि हमारी सरकार या भागीदारी की सरकार हुई तो इंस्पेक्टर राज को 72 घंटे में मिटा दें।